أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear students। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट के गेस्ट पेपर इस वीडियो में दिखाऊंगा, जो कि एमए एजुकेशन के गेस्ट पेपर हैं। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लास्ट में आखिर तक वॉच करना है, और ये गेस्ट पेपर ऑडियो की सूरत में आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लास्ट में आखिर तक वॉच करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव गेस्ट पेपर आपको आसानी से मिल सकें। सबसे पहले आपने सवाल करना है जी, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। दूसरा सवाल है सिग्निफिकेंट एंड एम्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सिस मैनेजमेंट, यानी इसका स्कोप आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, सवाल नंबर दो हो गया। तीसरा सवाल है जी, ह्यूमन रिसोर्सिस की खूबियां या खामियां आपने अच्छे तरीके से तैयार करके जानी है, यानी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सिस एंड मैनेजमेंट, यह आपने लाजमी अच्छे तरीके से सवाल तैयार करके जाना है। चौथा सवाल है डिफरेंट रिसोर्सिस ऑफ ह्यूमन मैनेजमेंट, ह्यूमन मैनेजमेंट इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, यानी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सिस एंड मैनेजमेंट, ये आपने सवाल तैयार करना है, यानी ये एग्ज़ाम पर सवाल है। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, सवाल की सेंस चेंज करेगा, जवाब आपको आता होगा, तो काइंडली आपने सवाल को लाजमी समझ के उसका जवाब देना है। चैप्टर नंबर टू की बात करते हैं जी, उसमें से आपने ह्यूमन रिसोर्सिस प्लानिंग ये सवाल अच्छे तरीके से तैयार करना है। दूसरे नंबर भी आपने इस चैप्टर में से जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिज़ाइन अच्छे तरीके से सवाल तैयार करना है। तीसरा सवाल है जी परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड इन मैनेजमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करेगा। चौथा सवाल है पे स्ट्रक्चर या सैलरी स्ट्रक्चर, आपने ये लाजमी अच्छे तरीके से तैयार कर, यानी सैलरी सर्विसेज। नेक्स्ट है जी आपने सवाल तैयार करना स्किल एनालिसिस, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट सवाल है एक्सेप्टिंग चेंजिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, आपने ये सवाल अच्छे तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट सवाल है जी सिलेक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सिस एंड मैनेजमेंट, आपने ये अच्छे तरीके से सवाल तैयार करना है। नेक्स्ट है जी अकाउंटबिलिटीज थ्योरीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सिस एंड मैनेजमेंट, ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमी अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगर आप ये तमाम सवालात तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर इंशाल्लाहुल अज़ीम क्लियर हो जाएगा। अब एक अहम बात बताता चलूँ, अगर आप CSS और PMS की ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर लाजमी कॉन्टेक्ट करें। आपको बताता चलूँ कि CSS के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 6 टॉपिक्स मैंने तैयार किए हैं, उन 6 टॉपिक्स में से हर साल आपके पेपर में इशू बेस्ड ऐसे क्लियर होता है। अगर आप लोग वो 6 टॉपिक्स तैयार कर लें तो आपका ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा, और इसके अलावा ये आप नोट्स की सूरत में परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं तो आपको ये सहूलत है कि आप दिन के किसी भी वक्त क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोन से चैप्टर्स हैं, एक तरीका कार ये है तैयारी का कि आपने सवालात इम्पोर्टेंट तैयार किए। दूसरा तरीका कार ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ 3 चैप्टर तैयार कर लें, आपका पेपर 100% गारंटी के साथ क्लियर हो जाएगा, और वो है जी पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर। चौथा आपकी मर्ज़ी है कि आप तैयार करें या ना करें। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि आप दूसरे को स्किप कर लें और चौथा कर लें, या तीसरे को स्किप कर दें और चौथा कर लें, लेकिन पहला आपने लाजमी करना है, क्योंकि पहला शॉर्ट और टू द पॉइंट है और सबसे इजी है, आपने पहले को किसी भी सूरत में स्किप नहीं करना। अब चारों में से 3 चैप्टर अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर इंशाल्लाहुल अज़ीम क्लियर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर मज़ीद आपको कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए एजुकेशनल तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।